सा अकाल पुरख की फौज। खालसा 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 प्रगटे ओ खालसा परमात्म की मौज। प्रगटे ओ खालसा परमात्म की मौज। खालसा 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 परमात्म की मौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। खालसा 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 अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा 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 जब लग खालसा रहने आरा तब लग तेज दियो में सारा। तब लग तेज दियो में सारा। जब लग खालसा रहने आरा तब लग तेज दियो में सारा। खालसा 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 अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा 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 इनकी प्रतीत। मैं न करूं इनकी प्रतीत। जब एह गहे पिपरन की रीत मैं न करूं इनकी प्रतीत। खालसा 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 खालसा
सवा लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। सवा लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। सवा लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। दस्तार सिखां दी पहचान है ते जदों होला महला दे रंग श्री आनंदपुर साहिब दी धरती ते देखण नूं मिल रहे होण तां ऐसे दे विच दस्तारां दे लंगर लगाए जा रहे ने, दस्तारां बनणियां सिखाईयां जा रहियां ने। सब तो पहलां तुहानूं इक स्टाल जिहड़ा दिखा रहे हां, इस स्टाल दे विच जिन्नी भी संगत आ रही है, जो भी कोई अपनी मन मर्जी दे नाल इस स्टाल ते पहुँचदा है तां उस नूं सब तो पहलां इह दस्तार जिहड़ी तुसीं देख रहे हो, इह बिल्कुल फ्री जिहड़ा कपड़ा है दस्तार दा दित्ता जांदा है। कोई बिना रंग नसल जात भेद तो कोई भी व्यक्ति जो अपने मन के नाल अपनी इच्छा मुताबक इतने पहुँचेगा तो वह दस्तार बिल्कुल बिना किसी पैसे तो लै सकता है। ना केवल दस्तार दिती जाती है, सगों दस्तार बन के दुमाला सजाना जिहड़ा दस्या जाता है। तस्वीर जिहड़ी तुहानूं दिखा रहे हैं तुसीं देख सकते हो कि ये भैण जी किस तरीके दे नाल जिहड़ियां बीबियां भैणा इत्थे आउंदियां ने उन्हां नूं दुमाला जिहड़ा बनना सिखा रही ने, ते जिथे दस्तारां जिहड़ियां कपड़ा फ्री दिता जा रहा उत्थे नाल दी नाल दस्तार बनने दुमाले सजाण का जिहड़ा है वो टैक्नीक भी दसी जा रही है। कारण यही है कि जदों खालसा पंथ के प्रगट अस्थान ते होला महला दे विच असीं पहुँचीए तां संकल्प लैके जाइए कि जो साडा अमीर गौरवमई इतिहास है उस रिच इतिहास के नाल जुड़िए। सिंघां ने जिहड़ियां कुरबानियां दित्तियां ने केसां नूं बचाउण दे लई, इस वेशभूषा नूं बचाउण दे लई, अपने विलक्षण पहरावे नूं बचाउण दे लई, उस पहरावे नूं बचाया जा सके ते वध तों वध जिहड़ी नौजवानी है उस नौजवानी नूं इस पहरावे दे नाल गुरु की बाणी ते बाणी दे नाल जोड़िया जा सके। भैन जी दे नाल गलबात भी करदे हां असीं, हालांकि वो जिहड़ा दुमाला सजा रहे ने फिर भी गल करन दी कोशिश करदे हां। भैन जी की नाम है जी तुहाडा? गुरबाणी कौर खालसा। गुरबाणी जी, किवें दा महसूस हुंदा है जदों तुसीं नौजवान जिहड़ी पीढ़ी है भैणां जिहड़ियां आउंदियां ने उहनां नूं दुमाला बनना सिखाउंदे हो? वीर जी बहुत अच्छा, मैनूं बहुत माण फील हुंदा है कि महाराज ने यह सेवा दास तो लिती है, जो कि साडा एक कोशिश है कि असी सारे भैणां नूं इस बाणे तो हटा के अपने गुरसिखी बाणे विच लईए। सो बस यही है महाराज अग्गे अरदास रहिंदी कि इदां दे अपने पंथ की सेवा हर अपने गुरसिख तो लैंदे रहन। खूबसूरत दुमाले सजाए जाने चाहिए हैं, नाल दी नाल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सानूं खालसे दे इस प्रगट अस्थान ते जदों आनंदपुर साहिब विखे असीं होला महला दे दौरान पहुँचते हाँ तो सानूं यह संकल्प लैना चाहिए है कि गुरु की बाणी ते बाणे दे नाल जरूर जुड़ना चाहिए है। जिथे खालसा पंथ का प्रगट अस्थान है उत्थे भाई कन्हैया की करम भूमि भी आनंदपुर साहिब है। तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं, तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल ये स्टॉल लगाए गए हैं इत्थे, ते इत्थे संगत जिहड़ी है वह खूनदान कर रही है। भाई कन्हैया जी मिशन सेवा सोसायटी वल्लों
महान खूनदान कैंप का आयोजन किया गया है। सो संगत जिहड़ी भी पहुँच रही है अपनी सवे इच्छा दे नाल उन्हां वल्लों खूनदान किया जा रहा है, क्योंकि खूनदान महादान कहा जाता है। तो गल जेकर सिख धर्म की की जाए तो सिख धर्म के सेवा का फलसफा जिथे बहुत वड्डा फलसफा है, पूरी दुनिया के सिखां दी जेकर गल की जाए तो लोग सिखां नूं सेवा करके जानते हैं। ऐसे दे विच ये भी एक वड्डी सेवा जिहड़ी की जा रही है, क्योंकि खून की जिहड़ी कमी अक्सर पाई जाती है, जिथे किते खून की कमी हुंदी है उत्थे जो कैंप लगते हैं तो इन्हां कैंपां के द्वारा वो खून की जिहड़ी पूर्ति की जाती है। सो ये खूनदान जिहड़ा है इस समय लगातार चल रहा है, तो होला महला के दौरान लगातार एक कैंप जिहड़ा चलता रहेगा। आपां गलबात भी करांगे जिहड़े नौजवान वीर इत्थे खून दे रहे हैं उन्हां दे नाल गलबात करांगे कि किस तरह फील हुंदा है, कित्थों आए ने, जरूर गलबात करांगे उन्हां दे नाल। तस्वीरां तुसीं लगातार देख रहे हो। भाजी की नाम है जी तुहाडा? काबल सिंह। किहड़ी जगह तो आए हो भाजी? अमृतसर। खालसे की जन्म भूमि ते आए हो, होले महल्ले दे रंग ने, ते तुसीं खूनदान कर रहे हो, खुशी मिलदी है जी? हाँ जी, बहुत खुशी मिलती होले महल्ले की। बाकी जिहड़े तुहानूं देखणगे की कहना चाहोगे खूनदान करन बारे? सारे ही तो यही कहते भी खूनदान करना सही गल जी। हाँ जी बिल्कुल, इन्हों का कहना है कि खूनदान करना बहुत वधिया गल है, तो बाकियों भी खूनदान जरूर करना चाहिए। सो बिल्कुल जदों शरदा दे नाल लबरेज होकर आनंदपुर साहिब होला महला विखे पहुँचते हैं, नतमस्तक हों गुरु चरणों के जरूर इस तरह दियां एक्टिविटीज़ ने, इस तरह के कम ने, उन्हां दे विच भी पार्टिसिपेट करना चाहिए है। तुहानूं एक लंगर ऐसा दिखा रहे हैं जिहड़ा आपसी भाईचारक सांझ नूं दिखाउंदा है। तुसीं देख सकते हो कि ये नौजवान जिहड़े सारे इत्थे मौजूद ने, मलेरकोटले तो खास तौर पर श्री आनंदपुर साहिब विखे पहुँचे ने, मुस्लिम भाईचारे नाल संबंधित नौजवान ने, सिख मुस्लिम सांझा जिहड़ा इन्हां ने बैनर लगाया होया, तो लगातार जिहड़ा बीते रोज़ों तो इत्थे मिठे चौल जिहड़े बना के संगत दे विच वरता रहे ने। सो जिथे आनंदपुर साहब की गल की जाए, आनंदपुर साहब केवल तो केवल एक शहर का नाम नहीं है, आनंदपुर साहब अपने आप दे विच एक विचारधारा है, अपनी फिलोसफी है, उस फिलोसफी के उपर चलते हुए गुरु साहब दी सिक्ख्यावां दे उपर चलते हुए लंगर प्रथा नूं अगे तोरदे हुए मलेरकोटले नाल संबंधित जिहड़े व्यक्ति ने, खास तौर पर मुस्लिम भाईचारे के जिहड़े लोग ने, अज जदों सिखां दा कौमी त्यौहार मनाया जा रहा, ऐसे दे विच आनंदपुर साहब विखे पहुँचे ने। सो जो दर्शाता है कि आपस के प्यार होना चाहिए, क्योंकि मजहब जिहड़ा है, धर्म जिहड़ा सानू आपस के जोड़दा है, ना कि तोड़दा है। जरूर दिखावांगा एक बैनर इन्हां ने जिहड़ा लगाया होया, बैनर के उपर देख सकते हैं, असी वारस हाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल प्रेम निभाउण वाले, छोटे साहबजादियां दे हक विच हा दा नारा मारन वाले नवाब शेर मुहम्मद खान, पीर बुद्धू शाह, नबी खां, गनी खां, कोटला निहंग खां, ये सारे तमाम जिहड़े नाम ने सिख धर्म के इन्हां दा विशेष सिख इतिहास के विशेष जिहड़ा इन्हां दा जिक्र आउंदा है। क्यों? क्योंकि गुरु साहब के परिवार के नाल, गुरु साहब के नाल खास तौर पर इन्हां परिवारों वालों जिहड़े नाम ने, इन्हां व्यक्तियों के वालों, बेशक वह गैर मजहब के सी, होर मजहब के सी, पर प्यार जिहड़ा निभाया गया उस प्यार नूं फरदर कॉन्टीन्यू करते हुए अज मलेरकोटले तो यह संगत पहुँची है। गलबात करते हैं डॉक्टर नसीर अख्तर साढ़े नाल मौजूद ने। डॉक्टर साहब, सिखां दा कौमी त्यौहार कहा जाता है, विश्व का वड्डा त्यौहार है होला महला, तो वड्डी गिणती दे विच लोग पहुँचते हैं, सिखी की भी यही सिख्या है, मानस की जात सवे के पहचानवो, या जिवें गुरु ग्रंथ साहब च प्रभाती अंग 1349 ते अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। और इस नाल ही सानूं सिख्या है कि सारी जिहड़ी लुकाई है, सारी इंसानियत रब का परिवार है, रब नूं सारी लुकाई विचों सब तो वध उह प्यारा है जिहड़ा उसके परिवार नाल भला वरताव करे। सो बिल्कुल, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तुसीं देख सकते हो कि ये जिहड़ियां तस्वीरां ने अपने आप दे विच दिल खिचवीआं तस्वीरां ने, एक मैसेज देण दी कोशिश की जा रही है कि जदों असीं किसी भी धर्म के त्यौहार मनाउण दे लई इकट्ठे हुंदे आ तां सानूं उसे धर्म दे विच एकमेक हो के जिहड़ी लोकां दी सेवा करनी चाहीदी है। कैमरामैन इंद्रजीत दे नाल BS चाना, PTC न्यूज़, श्री आनंदपुर साहिब। अज महल्ले दे समागम सी, बाबा जी की कहना चाहोगे? पूरा जाहो जलाल इवें महाराज ने कहा, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। जिहड़े तुसीं दर्शन कीते ने, जिवें महाराज ने कहा, जिते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग, अस कृपान खंडो खड़ग, तुबक तौरिया तीर, सैब सरोही सहथी यही हमारे पीर, तीर तुही सहथी तुही तुही तवर तरवार, नाम तिहारो जो जप है भय सिंध भव पार, काल तुही काली तुही तुही ते गया तीर, तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर, देह शिवाबर मोहे एह शुभ करमन ते कहूँ ना डरों ना डरों, अरसों जब जाहे लरों। सो आप सारिया ने धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पंथ दे वाली जी, जो उन्होंने मर्यादा आरंभी सी, वह नहेंग सिंह फौजा ने इन बिन जी सामभी हुई है,
ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਬਾਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਘੋੜੇ ਦੇ ਭਜਾਉਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਮਿਤ ਕਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ BS ਚਾਨਾ PTC ਨਿਊਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ